अब वक्त आ गया है दोस्त, वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। जितना टाइम बचा है खुद को झोंक दो, अब बहाने मत बनाओ, क्योंकि बार बार मौका मिला नहीं करता। जो सपना अपने देखा था कुछ कर दिखाने का, जो सपना अपने माँ बाप को दिखाया था कुछ बनने का, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। कुछ दिन सोशल मीडिया नहीं चलाओगे तो क्या होगा, कुछ दिन दोस्तों से बातें नहीं करोगे तो क्या होगा। माँ बाप के लिए इतनी सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हो ना, वो तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, क्या तुम उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे। दोस्त माँ बाप का बहुत सहारा लिए हो, अब वक्त आ गया है तुम्हें उनका सहारा बनने का। अगर लाइफ में सफल नहीं हुए तो माँ बाप का क्या होगा, कभी सोचा है। हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह पालें। यार सफल होना ही पड़ेगा तुम्हें, कब तक फटे हुए कपड़े में अपने बाप को देखोगे, एक ही कपड़े को बार बार कई सालों तक पहनते कब तक देखोगे। यार शौक नहीं है उन्हें फटी कपड़े और पुराने कपड़े पहनने की, लेकिन तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारे कोचिंग के फी देने के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, और तुम मौज मस्ती में सारा दिन बर्बाद करते हो और कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ लोग अपनी परिस्थिति और गरीबी का दोष देते हैं और मेहनत नहीं करते। अरे तुम्हें तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम भले ही गरीब पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। तुम्हारा बचपना भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। खुद को झोंक दो अपने कैरियर को बनाने में, और दूर हो जाओ उन सारे डिस्ट्रैक्शन से जो तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा करने से रोक रही हो। अरे ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो क्या हुआ, इसे बदल कर दिखाओ। क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सुबह उठते हो तो कोई थककर भी काम पर जा रहे होते हैं, क्या उनका मन नहीं करता है कि आराम कर ले। करता है दोस्त। जी हाँ, मैं आपके पिताजी का ही बात कर रहा हूँ। जब आपके पिताजी थक कर हार कर भी काम पर जाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप क्यों पीछे हट जाते हो। मेरे दोस्त, अच्छी रातें पाने के लिए आज की रातें त्यागनी ही पड़ेगी। तुम्हें पढ़ना ही होगा, अपनी ज़िंदगी में रंग को भरना ही होगा, और उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। उसी रोशनी को तो लाना है तुम्हें। यार पावर तो आप सबके अंदर भरा पड़ा है, बस ज़रूरत है तो उस पावर को बाहर निकालने की। तो यार वेट किसका कर रहे हो, निकाल दो अपने अंदर की आग और झोंक दो अपने लक्ष्य में। राह संघर्ष की जो चलता है, वही एक दिन संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर भी वही चमकता है। जब सारे लोग सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। अगर बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे ही दिन रात एक करना होगा। अरे हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है। चल उठ और दिखा इस दुनिया को कि तुम में कितना दम है।